हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज दीप्ति एंड यू आर वाचिंग दैट जोन। सो लेडीज, आज यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ लेडीज की, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अबाउट ब्लाउजेस। सो आज की डेट में ब्लाउजेस का, रेडीमेड ब्लाउजेस का स्कोप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। हम सबको डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिजाइन के ब्लाउज वेयर करना बहुत ही अच्छा लगता है। कंट्रास्ट में एक पर्टिकुलर साड़ी को डिफरेंट ब्लाउज के साथ वेयर करो तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लुक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं रिव्यू करने वाली हूँ मिंत्रा के रेडीमेड ब्लाउजेस का, जो कि मैंने अभी अभी बहुत सारे ऑर्डर किए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वेडिंग सीजन है, मुझे भी शादियों में जाना है, तो मैं डिफरेंट ब्लाउजेस को ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने ये सारे ही ब्लाउजेस मिंत्रा से ऑर्डर किए थे और उसका मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ में मैंने मिंत्रा से 5 ब्लाउजेस ऑर्डर किए थे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट नेक डिजाइन के थे। किसी का बैक डिफरेंट था, किसी का फ्रंट डिफरेंट था, और थोड़ा मैंने गोल्डन एंड नेवी ब्लू कलर के ब्लाउजेस ऑर्डर किए थे। रीजन, क्योंकि मेरी जो साड़ी थी उसमें गोल्डन एंड नेवी ब्लू ही फिट बैठता, तो आई थॉट कि चलो ये 2 कलर के ब्लाउजेस मैं ऑर्डर करती हूँ। अभी उन 5 ब्लाउजेस का रिव्यू मैं आपको देना चाहती हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। सो स्टे विद मी, अंत तक वीडियो देखेगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि मैं बहुत ही बारीकी वाले पॉइंट आप लोगों को बताने वाली हूँ यहाँ पे। सो सबसे पहले मैंने ये ब्लाउज, मैं आपको बता रही हूँ कि ये अमृता फैब करके एक ब्रांड है, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से ऑर्डर किया। आई थॉट कि चलो इस तरीके का डीप नेक का होगा, ये स्वीट हार्ट नेक से बोलते हैं, और बैक इसका कुछ इस टाइप का है, तो वो भी बिल्कुल डीप नेक है बैक भी। ये 2 बटन्स हैं यहाँ पे बैक में, जो कि हम यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं। अभी मैं आपको ये कोई भी ब्लाउज वेयर करके नहीं दिखाऊंगी, मतलब ये ट्राई ऑन हॉल नहीं होने वाला है। रीज़न, क्योंकि ये ब्लाउजेस थोड़े फिट नहीं हैं, तो ट्राई ऑन हॉल देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये इस तरीके का डीप नेक है बैक से, और फ्रंट से इस तरीके का स्वीट हार्ट नेक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी सबसे पहले इसकी क्वालिटी की। तो ये जो ब्लाउज है इसमें ये मिरर वर्क नहीं है, मिरर के प्लेस पे ये पतली सी एक स्लिट टाइप की जो होती है वो लगी हुई है। तो वो तो खैर ऑब्वियस था, उसमें लिखा भी हुआ था कि ये मिरर वर्क टाइप का कुछ ऐसा नहीं है, उसमें मिरर वर्क नहीं लिखा हुआ था, तो वो तो मुझे पता था कि क्या आएगा उसके साथ। बट इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये इस तरीके की जो लगे हुए हैं ना, ये निकल के आ रहे हैं, मतलब ये अच्छे तरीके से टके भी नहीं है, तो इस तरीके से निकल के आ रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं तो। देन इसका जो अंदर पैडेड है ये ब्लाउज अंदर, तो मैं आपको कम्प्लीटली दिखाना चाहूँगी कि ये जो ब्लाउज है इसका जो अंदर वाला पैड है, ये आगे के पोर्शन से तो अटैच है, बट पीछे के पोर्शन से बिल्कुल भी अटैच नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो ये पैड है अंदर का, ये ऊपर नीचे हो रहा है। और ये वैसा वाला सॉफ्ट वाला पैड भी नहीं है, जो कि सॉफ्ट वाले पैडेड रहते हैं ना, ये बिल्कुल हार्ड टाइप का कुछ मटेरियल है अंदर, जिसकी वजह से ये जब पहनो ना, तो ऐसे बिल्कुल जैसे लग रहा है कि कुछ आपने यहाँ पे रख दिया है, उस तरीके का पैड है। नॉट लाइक सॉफ्ट पैड जो बिल्कुल अच्छे से आपके बॉडी में फिट हो जाए, वैसा वाला पैड नहीं है। तो ये है ब्लाउज अमृता फैब का, जो कि मैंने मिंत्रा से मंगाया है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। ये ब्लाउज आया था मुझे अराउंड 995 समथिंग का। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने अपनी साइज के अकॉर्डिंग ऑर्डर करना चाहती थी, बट इसमें ओनली 1 साइज ही अवेलेबल थी, तो ऑफ कोर्स फिर बड़ा तो होगा ही, एंड थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इसमें स्टिचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब फिटिंग करवाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर मैं इसको रखने की सोचती हूँ तो। बट क्योंकि मैंने मुझे नहीं रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज है, अगर मैं यहाँ से फिट करवा भी लेती हूँ तो इसका जो ये नेक है ये बाहर की तरफ ऐसे भाग रहा है, तो आई डोंट थिंक ये मेरे लिए सही है। तो ये इसका मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ जो मिंत्रा से आया है। बाकी अगर कपड़े की क्वालिटी देखें तो इट्स ओके, कपड़ा ठीक है, कोई ख़राब कपड़ा नहीं है इसका, बट इसकी फिटिंग भी ठीक है, बट क्योंकि ये मेरी साइज़ का आया ही नहीं है तो मैं इसको नहीं रख सकती हूँ, सो मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। अब नेक्स्ट एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने देखी, क्योंकि ये अमृता फैब का है, तो मैंने सेम ब्रांड को अमेज़न में भी सर्च किया था, तो अमेज़न में ये ब्लाउज सेम 649 की रेट का है, जो कि मिंत्रा इसे 995 की रेंज का दे रही है। देन ऑफकोर्स कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना है मिंत्रा से ऑर्डर करेगा, अमेज़न से ऑर्डर करेगा अगर किसी को नीड होगी तो। तो ये है इस ब्लाउज का
कंप्लीट रिव्यू जो मैंने आपको दे दिया कि कैसा आया है ये रेडीमेड ब्लाउज। देखने में अच्छा है बट वही है कि ये जो वर्क है ये एग्जैक्ट मिरर वर्क नहीं है, थोड़ा सा ये पतला वो टाइप का जैसे होता है ना वो लगा हुआ है। तो आप इसको एक प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, आप 1000 रुपीज का ब्लाउज ले रहे हो तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि बहुत लाइक अच्छा लग रहा है और हम किसी अच्छी साड़ी के साथ जो कि काफ़ी कॉस्टली साड़ी हो उसके साथ हम इसको वेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीपनेस दिख जाती है अगर चीज प्रॉपर क्वालिटी की नहीं है तो वो चीपनेस दिख जाती है। तो इस वजह से मुझे तो मेरे लिए तो नो है इस ब्लाउज के लिए, तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ। तो गाइस यहाँ पे मैंने 5 ब्लाउजेज ऑर्डर किए हैं और मैं एक एक करके आपको सारे ही ब्लाउजेस का रिव्यू दूंगी और लास्ट में मैं आपको और भी कुछ रेडीमेड ब्लाउजेस की टिप्स दूंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में, चलते हैं हम नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ। नेक्स्ट जो ब्लाउज है वो भी अगेन सेम टाइप का ही है बट गोल्डन कलर का है ये, उसमें नेवी ब्लू कलर था। इसका जो बेस है ये बिंज करके कलर होता है उसका बेस है, बट ये अमृताभ फैब का नहीं है, ये किसी और ब्रांड का था, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी जो भी इसका लिंक वगैरह है। साथ ही इसमें तो स्लीव्स भी अटैच हैं, ये इतनी सी स्लीव्स अटैच है अगर किसी को स्लीव्स ऐड करवानी हो तो। बट प्रॉब्लम अगेन इसमें भी सेम वही है, ये पैड है उसमें फ्रंट से अटैच था, बैक से अटैच नहीं था, और यहाँ पे फ्रंट से नहीं अटैच है बैक से अटैच है, जिसकी वजह से ये भी हिल सकता है। एक्चुअल अगर आप लोगों ने पैडेड ब्लाउज किसी टेलर से सिलवाए हों तो पता होगा, क्योंकि मेरे पास है पैडेड ब्लाउज जो मैंने प्रॉपर टेलर से जाके स्टिच करवाए हैं कपड़ा देके। तो ये जो पैड है ये आगे पीछे दोनों से ही यहाँ पे एक सिलाई लगा के अटैच करते हैं, बट यहाँ पे आई थिंक सामने से अटैच होना हो नहीं सकता है, दैट्स वाई इन्होंने नहीं किया है। बट सिलाई तो यहाँ पे भी लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगी हुई है, सिलाई लगी हुई है यहाँ पे भी अगर आप देखो तो। अटैच करना चाहते तो आई थिंक अटैच हो भी जाता, आई डोंट नो क्यों नहीं अटैच किया इन्होंने, इतना ज़्यादा तो मीन्स स्टिचिंग की नॉलेज मुझे भी नहीं है इन्होंने क्यों नहीं अटैच किया आगे पीछे से। बट इस रीज़न की वजह से इसका जो पैड है जब आप पहन के बिल्कुल फ्रीली घूमोगे या फिर डांस वांस करोगे किसी शादी वगैरह में तो वो हिल जाता है, उसकी पूरी जो फिटिंग है वो ऊपर नीचे हिल जाती है। तो ये प्रॉब्लम थी इस वाले ब्लाउज में, एंड अगेन ये भी फ्री साइज का ही था, तो इसमें भी अगर मैं इसको अपनी साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अल्टर करवाऊंगी अल्टरेशन के बाद ये इसका नेक कैसे भागेगा, तो ये ब्लाउज भी मुझे उस वजह से पसंद नहीं आया। तो एनीवेज इसको भी मैं रिटर्न कर दूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगा, और इसमें भी अगेन वही प्रॉब्लम है कि ये इसकी निकल के आ रही है, ये सिर्फ एक टांके से फिट है तो ये बड़ी ही जल्दी निकल सकती है। तो बट इसका जो रेट है वो अराउंड 500 समथिंग का है, तो रेट वाइज ये बेटर है कि अगर आपकी साइज में भी आ रहा है तो आप इसको ले सकते हो ऐसे नॉर्मल किसी के हम लोग जैसे घर वा जाते हैं या नॉर्मल सोसाइटी में कोई फंक्शन हुआ तब पहनना पड़ गया, तो वो अगर उस पर्पज से आप लेना चाहो तो फिर ठीक है ये ब्लाउज आप ले सकते हो। तो ये था मेरा सेकंड ब्लाउज का रिव्यू, अब हम चलते हैं अपने थर्ड ब्लाउज की तरफ। तो गाइज यहाँ पे मैं जितने भी ब्लाउजेस आपको दिखाने वाली हूँ वो सारे ही ब्लाउजेस के डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हैं, मतलब कोई किसी एक्सपेक्ट से मुझे अच्छा नहीं लगा है और कोई किसी एक्सपेक्ट से, बट उसके जो एक्सपेक्ट्स हैं वही मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, सो दैट कि आप जब भी कोई रेडीमेड ब्लाउज ऑर्डर करें तो आप ये सारी चीज़ें अपने माइंड में सोच लें उसके बाद ही ऑर्डर करें। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड ब्लाउज की तरफ। तो थर्ड ब्लाउज है मेरा ये है मेरा थर्ड ब्लाउज, बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज है, ब्लैक कलर का है और इसमें इस तरीके के गोल्डन पेंट टाइप का बोल दो या कुछ बोल दो उस तरीके का है इसमें। और ये कौन सी ब्रांड का है, ये है ब्रांड इसका है देसी वीव्स ब्रांड का है ये। ओके ये ब्लाउज जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका रेट अराउंड 1999 लिखा है, बट मिंत्रा से ये 1700 समथिंग का आया था, 1700 समथिंग का सिर्फ एक ब्लाउज आया था। अब 1700 की अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो हम उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, उसकी फिटिंग से एवरीथिंग। तो ये तो खैर मैंने अपनी साइज़ का ही ऑर्डर किया था, जो भी मेरी साइज़ है, तो साइज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे इसमें फ्रैंकली स्पीकिंग। और उसका इसका बैक इस टाइप का है, मतलब ये कम्प्लीटली बैकलेस है, इसमें दो नॉट हैं, एक ऊपर की तरफ नॉट है और एक ये नीचे की तरफ नॉट है, और नॉट में भी ये जो इसकी लटकन है बहुत ही प्यारी सी कपड़े की लटकन बनाई गई है। तो ये सब ठीक था, मतलब इसकी डिज़ाइन वाइज मुझे ये ठीक लगा, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि ये नीचे और ऊपर से दोनों से ही सिर्फ डोरी से ही अटैच है,
तो ये आगे की तरफ ना होल्ड नहीं हो पा रहा था, होल्ड इन द सेंस कि ऐसा लग रहा था कि गिर जाएगा। देन अगर आप देखो सही से तो ये जो पीछे वाला कपड़ा है, पीछे वाला ये छोटा है कंपैरेटिवली, ये जो इसके स्ट्रेप भी हैं ये छोटे हैं, और आगे का जो ये विड्थ है इसकी ये थोड़ी सी ज़्यादा है। शायद ये भी एक रीज़न हो कि ये फिट नहीं बैठ रहा था, आगे की तरफ गिर रहा था, वो भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टिचिंग की नॉलेज तो मुझे भी नहीं, बट जितना मुझे समझ में आया मैं आपको वो बताती हूँ। प्लस इसमें भी वही सेम रीज़न है कि जो पैड है वो आगे से अटैच नहीं है, ओनली पीछे से अटैच है, तो वो हिल रहा था। पैड इसका फाइन क्वालिटी का है, पैड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो स्टिचिंग है जो कि ब्लाउज के लिए लगाई जाती है, आप लोगों को भी पता होगा साइड से एंड यहाँ से, जो जब भी ब्लाउज स्टिच होता है तो ये यहाँ पे तीन पॉइंट्स डॉट्स लगाए जाते हैं। तो ये जो डॉट्स हैं ये लाइन मुझे यहाँ बैठ रही थी, इस प्लेस पे कायदे से ये लाइन यहाँ आती है, ऐसे यहाँ कहीं आती है, बट ये बहुत ही ऊपर यहाँ जाके बैठ जा रही थी। तो इसके डॉट्स वगैरह भी सही नहीं लगे हुए, मतलब इसकी कंप्लीट स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इसकी फिटिंग अच्छे से बैठ नहीं रही थी। बाकी वैसे साइज वाइज सही था, साइज मैंने जो ऑर्डर की थी वही साइज आई है, बट ये भी मेरे लिए नो है इन द मैनर ऑफ लाइक स्टिचिंग। मुझे इसकी स्टिचिंग पसंद नहीं आई और इसकी जो फिटिंग है वो भी पसंद नहीं आई, प्रॉपर ब्लाउज की फिटिंग नहीं बैठ पा रही थी, तो मेरे लिए इस ब्लाउज के लिए भी नो है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लाउज की तरफ। तो यहाँ पे अब मेरी जो दो ब्लाउजेस जो मैं ऑलरेडी रिटर्न कर चुकी हूँ उसके मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। ये वो ब्लाउज है, फोर्थ नंबर ब्लाउज ये है मेरा, जो कि मैंने पंछी से ऑर्डर किया था। ये कंप्लीट ब्लू कलर का, कंप्लीट नेवी ब्लू कलर का ब्लाउज है। इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा था जब ये आया था तो, बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैक में इस तरीके का कट लगा हुआ है, बट मेरे पास जो ब्लाउज डिलीवर हुआ था उसमें बैक में कट नहीं था, बैक में एक जिप लगी हुई थी, आगे नीचे से ऊपर तक की एक जिप थी, तो वो इस तरीके से पूरी डिज़ाइन ही बदल दी थी उन लोगों ने ब्लाउज की। बोट नेक था जैसा कि है इसमें बोट नेक, बट क्योंकि वो डिज़ाइन बदल दी तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया कि मैंने जिस डिज़ाइन का ब्लाउज ऑर्डर किया उस डिज़ाइन का तो मुझे डिलीवर भी नहीं हुआ, तो फिर मैं उसको क्यों रखूँगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो यहाँ से काफ़ी लूज था, इस प्लेस से काफ़ी लूज था, मतलब था मेरी साइज का बट यहाँ से काफ़ी लूज था, तो फिटिंग की प्रॉब्लम थी। तो ये फोर्थ ब्लाउज हो गया जिसकी की फिटिंग की प्रॉब्लम आ रही है रेडीमेड ब्लाउज में। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ ब्लाउज की तरफ। तो ये है मेरा फिफ्थ ब्लाउज जो कि प्यारा सा वी नेक है, आगे से डीप वी नेक है। ये तब देख के मैंने ब्लाउज ऑर्डर किया था कि वाओ आगे से डीप वी नेक है, बहुत ही प्यारा सा लगेगा ये ब्लाउज, और ये ब्लाउज मैंने अपनी साइज में ऑर्डर किया था, बट ये जो मेरे पास डिलीवर हुआ वो मेरी साइज से दो साइज बड़ा डिलीवर हुआ था, तो वो एक बहुत बड़ा फॉल्ट था। और ये भी अराउंड 1700 की रेंज का था, तो आप 1700-1800 की कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हो और आपकी साइज़ की बिना आए तो आपका मन ख़राब हो जाता है, तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। और बाकी ये जो पैड वगैरह की प्रॉब्लम है, पैड सही से स्टिच नहीं होते हैं, स्टिक नहीं होते हैं उसमें, या फिर हिलते रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम तो इसके साथ थी ही थी, प्लस ये मेरी साइज़ का भी नहीं आया था, तो मैंने इसको भी रिटर्न कर दिया। सो गाइस, अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू कैसा लगा। मैंने बहुत ही छोटी छोटी बारीकियाँ ये रेडीमेड ब्लाउजेस की आपके साथ शेयर करी हैं। रेडीमेड ब्लाउजेस में स्टिचिंग की, फिटिंग की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती ही आती है, और साथ ही मटेरियल भी हम जो प्रिफर करते हैं वो मटेरियल नहीं आ पाता है, बट इट्स ओके, अगर मैनेजेबल हो तो रेडीमेड ब्लाउज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज की डेट में वैरायटी ऑफ रेडीमेड ब्लाउजेज आ रहे हैं जो देख के मन करता है कि यार ये तरीके का ब्लाउज जरूर वेयर किया जाए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको कुछ डिज़ाइनर ब्लाउज पहनना है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस तरीके के ब्लाउज अगर हम टेलर से जाके मटेरियल दे के स्टिच करवाएं तो ज़्यादा अच्छा फिटिंग में हम बैठता है इन कंपैरिजन ऑफ हम अगर रेडीमेड ब्लाउज ऑर्डर करें तो। तीसरा एक तरीका और है, तीसरा तरीका ये है कि मैंने क्या किया, मुझे जो ब्लाउज चाहिए था मैं अपना यहाँ पे लोकल एक बहुत बड़ी मार्केट है, मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मैंने सर्च किए ब्लाउजेस, और फिर वहाँ से मैंने देख के कुछ अच्छा जो कि मुझे बिल्कुल फिट बैठे
ट्राई ऑन करके वैसा एक ब्लाउज सिलेक्ट किया, वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। वो आएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, मैं बताऊंगी मैंने कहाँ से लिया है एंड ऑल। ऑफलाइन लिया है, ऑनलाइन नहीं लिया है, बैंगलोर में ही ऑफलाइन लिया है। तो यही था आज के मेरे रेडीमेड ब्लाउजेस का रिव्यू जो कि मैंने मिंत्रा से लिए हैं। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज की डेट में रेडीमेड ब्लाउजेस की डिमांड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।